गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस हियर डीसी मशीन। तो अपन ने डीसी मशीन में बहुत कुछ पढ़ लिया था, वाइंडिंग्स वगैरह आपके बारे में भी पढ़ लिया था, डीसी मशीन के टाइप्स भी पढ़ लेते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड, सीरीज एक्साइटेड और सीरीज मोटर, शंट मोटर सेपरेटली और सेल्फ एक्साइटेड मोटर, कंपाउंडिंग के बारे में भी अपन डिस्कस कर चुके थे कि आपकी कंपाउंडिंग क्या होती है, कि जब आपका सीरीज प्लस कंपाउंडिंग होगी, जब सीरीज प्लस को आप शंट प्लस के साथ एड कर रहे हो, सब टाइप कर रहे हो, उसी को आप कंपाउंडिंग बोल रहे हो। हाँ, लेकिन किस मैनर में कर रहे हो? हाँ, आप किस मैनर में कर रहे हो? आप उस प्लस को, उसको आप कंपाउंडिंग बोल रहे हो। अगर मान लो आपने उसको इस तरह से एड किया, आपने उसको इस तरह से एड किया कि आपका जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है किसके कारण? रेजिस्टेंस के कारण, उस कॉन्टेक्ट के कारण, और भी अगर आपके पास फील्ड वाइंडिंग के, फील्ड वाइंडिंग जो आपने सीरीज में कनेक्ट कर रखी, उसका वोल्टेज ड्रॉप को आप पूरा एग्जैक्टली कंपनसेट कर रहे हो, तो आपका नो लोड ईएमएफ एंड फुल रेटेड लोड ईएमएफ क्या हो रहा है? एग्जैक्टली इक्वल हो रहा है। उस केस में आपका क्या हो रहा है? वोल्टेज रेगुलेशन चीज हो रही है, और उसको आपने बोला था प्लेट कंपाउंडिंग, प्लेट कंपाउंड। अगर मान लो आपका ये जो आपका वोल्टेज ड्रॉप है इसको ओवर कंपनसेट कर रहा है, ओवर कंपनसेट कर रहा है, मतलब आपका वी रेटेड नो लोड से ज्यादा है, वी रेटेड की वैल्यू नो लोड से ज्यादा रही, तो आपकी वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव है, और उसको बोला था आपने ओवर कंपाउंडिंग। अगर आपका कम आ रहा है, उसको कंपनसेट नहीं कर पा रहा, थोड़ा कम कर रहा है, कंपनसेट तो कर रहा है लेकिन थोड़ा कम कर रहा है, तो आपकी वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि रेटेड वोल्टेज नो लोड वोल्टेज से आपका कम आ रहा है, उसको आप उसकी रेटेड वोल्टेज से कम आ रहा है, तो आपकी वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव है। ठीक है, इतना आपने डिस्कस किया लास्ट क्लास। अब अपन आगे डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपका सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है, उसमें अगर जिस सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है जो आपका आर्मेचर से ही आप फील्ड करंट लेते हैं, या आर्मेचर के टर्मिनल से ही अपन फील्ड को कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको रेजिडुअल प्लस की जरूरत होती है, मतलब किसकी जरूरत होती है, क्या एसेंशियल कंडीशन होती है कि आपका वोल्टेज बिल्टअप हो जाए, या एसेंशियल क्या कंडीशन होती है जो आपका वोल्टेज बिल्टअप हो जाए, तो उसके लिए अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सेपरेटली में तो आप क्या कर रहे थे, अलग से डीसी सोर्स दे रहे थे फील्ड वाइंडिंग के लिए, लेकिन सेल्फ में क्या आर्मेचर के टर्मिनल को आप उससे कनेक्ट कर रहे, तो उसमें वोल्टेज बिल्टअप कैसे होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, वैसे में आपका वोल्टेज बिल्टअप कैसे है? हाँ, इसके लिए मैंने कुछ एसेंशियल कंडीशन दी, अब उसके बारे में देखते इन। अगर आप सेपरेटली की बात करें, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर डज नॉट रिक्वायर एनी एसेंशियल कंडीशंस, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर डज नॉट रिक्वायर एनी एसेंशियल कंडीशन। एक्साइटेशन पर्पज के लिए सेपरेटेशन अलग से सोर्स दे रखा है आपने इसमें। आप डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर जनरेटर की अगर बात करते हैं, क्योंकि इसमें मैंने जब आपका डायग्राम बनाया था तो आपने फील्ड को अलग से डीसी सोर्स दिया था, यहां पे आपने अलग से डीसी सोर्स दिया था, आर्मेचर के टर्मिनल आपके अलग ऐसा कुछ, तो यहां पे तो आपने सेपरेटली एक्साइटेड कर रखा है, सेपरेटली अलग से आपने डीसी सोर्स दे रखा है, तो इसके लिए कोई ऐसे एसेंशियल कंडीशन की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप सेल्फ एक्साइटेड की बात करें, इन सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर
in self excited. अगर आप self excited generator की बात करते हो तो यहां पे आपको जरूरत पड़ेगी. क्यों जरूरत पड़ेगी? क्यों? क्योंकि आपके पास करंट तो है ही नहीं, पावर तो है ही नहीं. आपका वोल्टेज कहां से, ईएमएफ इंड्यूस कहां से होगा? आपके पास फील्ड के पास एक्साइटेशन तो है ही नहीं, आपके पास फ्लक्स तो है ही नहीं. अगर मैं नॉर्मल की बात करता हूं, अगर रेजिडुअल फ्लक्स आपका जीरो होता है, अभी अपन डिस्कस करेंगे रेजिडुअल फ्लक्स का. अगर आपका रेजिडुअल फ्लक्स जीरो होता है, अगर आपके मेटेरियल के पास कोई फ्लक्स है ही नहीं स्टार्टिंग में, तो आपके पास ईएमएफ कहां से आएगा? स्टार्टिंग में करंट कहां से लाओगे आप? तो उसके लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस होती है. इन सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर द फील्ड गेट एक्साइटेड बाय ओन इट्स आर्मेचर. इसके आर्मेचर से आप इसको सप्लाई देते हो. डीसी जनरेटर के जहां से आपको पावर लेनी है, जो डीसी जनरेटर से आपको इलेक्ट्रिसिटी लेनी है, उसके आर्मेचर से आप इसको सप्लाई देते हो फील्ड. अलग से कोई डीसी सोर्स नहीं. जैसे मैंने आपका डायग्राम बनाया था, ये आपका फील्ड है और यह आपका शंट मोटर जनरेटर के अलावा. तो इसको कोई अलग से डीसी सोर्स नहीं दे रखा, इसी को अपन ने यूज करा है, इसी के आर्मेचर टर्मिनल को अपन ने यूज करा. It requires some essential condition to be satisfied to the. It requires. इसको require होती some essential condition. It requires some essential conditions. कुछ जरूरत, कुछ essential conditions की जरूरत होती to satisfy this. अब देखो क्या क्या conditions होनी जरूरी. सबसे पहले मेन कंडीशन पोल शुड हैव कंटेन रेजिड्यूअल फ्लक्स. अपन रेजिड्यूअल फ्लक्स, अब देखो किसी भी मैग्नेटिक मेटल, कोई भी मैग्नेटिक मेटल, रेजिडुअल फ्लक्स क्या होता है? रेजिडुअल फ्लक्स वो होता है जो उस मटेरियल में स्थित रहो. रेजिडुअल फ्लक्स वो मिनिमम है. जैसे अपन बीएच कर्व की बात करें, अगर मैं यहां पे बीएच कर्व बनाऊं, ये लो इसी में बना दिया, तो ये एक्साइटेशन यहां से स्टार्ट होता है. लेकिन ये वाला फ्लक्स वापस लेकिन जब मैं वापस करंट को जीरो करूंगा तो आई बराबर जीरो पे कुछ प्लस इस मैग्नेटिक मटेरियल के पास रह जाएगा, उसी फ्लक्स को आप रेजिडुअल फ्लक्स बोलते हो. क्यों? क्योंकि उसके पास कोई करंट नहीं है, उस मटेरियल के पास कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, कोई ईएमएफ नहीं है, फिर भी वहां पे फ्लक्स मौजूद है, उसी फ्लक्स को आप रेजिडुअल फ्लक्स बोलते हो. शुड कंटेन रेजिडुअल फ्लक्स. फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग शुड बी कनेक्टेड करेक्टली. आपके आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों के दोनों आपकी अच्छी तरह से कनेक्ट होने चाहिए. सो दैट इनिशियल फ्लक्स ये एमएमएफ इनिशियल एमएमएफ विल एड, ताकि आपका एमएमएफ क्या हो, एड हो दिस रेजिडुअल फ्लक्स. Resistance of
वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग शुड बी लेस देन इट्स क्रिटिकल वैल्यू. स्पीड ऑफ द जनरेटर स्पीड ऑफ द डीसी जनरेटर शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल स्पीड. यहां पे सिंपल सी बात है, आपका क्रिटिकल रेजिस्टेंस है तो आपका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए फील्ड वाइंडिंग का. और स्पीड क्या होनी चाहिए, आपकी स्पीड आपकी जनरेटर की स्पीड क्या होनी चाहिए, क्रिटिकल स्पीड से आपकी जनरेटर की स्पीड क्या होनी चाहिए, क्रिटिकल एनसी आरसी क्रिटिकल रेजिस्टेंस. अभी क्रिटिकल रेजिस्टेंस और स्पीड के बारे में अपन डिस्कस करें, ठीक है. ये चार पॉइंट है आपके पास. सबसे पहला पॉइंट क्या आपके पोर के पास क्या होना चाहिए, रेजिडुअल फ्लक्स होना चाहिए. अब वो रेजिडुअल फ्लक्स भी होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके जो फील्ड वाइंडिंग है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ इस तरह से कनेक्टेड होने चाहिए, प्रॉपर इस तरह से कनेक्टेड होने चाहिए कि आपका जो फ्लक्स है वो विल बी एड, आपका एमएमएफ है एड हो, आपके फ्लक्स एमएमएफ में एड हो, ताकि आपका फ्लक्स धीरे 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 इंक्रीज हो. हाँ, जिसे मैंने सुना था. सुनो क्या होता है आपके पास, ये आपके पास फील्ड है क्या, सिंपल सी बात करते हैं. यूएमएफ का फॉर्मूला होता है अपने पास, स्पीड पोल फ्लक्स कंडक्टर पर पैरेलल पाथ, यही होता है एनपी फाइव जेड अपॉन है, एनपी फाइव जेड अपॉन है, यही होता है. अगर मेरे पास कुछ ना कुछ रेजिडुअल फ्लक्स है तो अपने पास ईएमएफ आएगा, अपने पास अगर रेजिडुअल फ्लक्स है तो एमएमएफ आएगा, तो एमएमएफ की मान लीजिए वैल्यू अपने पास आएगी लगभग एक वोल्ट रेजिडुअल फ्लक्स. अपने कुछ भी नहीं किया, अभी डिसीजन देते हो, स्टार्ट किया, स्पीड घुमाई, स्पीड को आपने रोटेटिंग स्पीड से ज्यादा रखा, स्पीड क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा रखा आपने डीसी जनरेटर को, तो आपके पास एक वोल्टेज आता. और इस वोल्टेज के कारण यहाँ पे जो ये वोल्टेज एक वन वोल्टेज आया, वन वोल्टेज अगर यहाँ पे आया तो यहाँ पे जो आपका फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इसमें करंट फ्लो होगी. अगर इसमें करंट फ्लो आई तो मान लो ये आई फील्ड करंट आई, तो उस फील्ड के करंट के कारण यहाँ पे आई एफ इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, फील्ड करंट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स फील्ड वाइंडिंग, ये एमएमएफ आएगा. इस एमएमएफ के कारण क्या होगा, इसमें फ्लक्स बढ़ेगा. अगर ये फ्लक्स बढ़ा, अगर ये फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो वापस आपका इंड्यूस ईएमएफ पड़ेगा, वापस इंड्यूस ईएमएफ पड़ेगा तो वापस ही एमएमएफ आएगा, एमएमएफ बढ़ेगा तो वापस आपका पास फ्लक्स बढ़ेगा, फिर वापस करंट बढ़ेगा. तो ये एक तरह से कम्युलेटिव प्रोसीजर, अगर आपने प्रॉपर कनेक्शन किया, अगर आपने प्रॉपर कनेक्शन, इसीलिए आपका रेजिडुअल फ्लक्स होना जरूरी. अगर मेरे पास रेजिडुअल फ्लक्स ही नहीं है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में वोल्टेज आपके पास आएगा नहीं. अगर वोल्टेज नहीं आएगा तो आपके कहां से कम्युलेटिव प्रोसेस होगा, कहां से आपका फ्लक्स एड होगा, कहां से आपका फ्लक्स सबट्रैक्ट होगा, कहां से आपका फ्लक्स एड होगा. तो आपके पास सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन आपके पास रेजिडुअल फ्लक्स होना चाहिए, रेजिडुअल फ्लक्स कंटिन्यू होना चाहिए. हाँ, वो दोनों प्रॉपर वाइंडिंग में भी कनेक्टेड होने चाहिए, प्रॉपर मैनर में भी कनेक्टेड होने चाहिए, ताकि आपका ये फ्लक्स इसके साथ एड हो, आपके साथ एमएमएफ के साथ एड हो. हाँ, ऐसे नहीं है ना कि भाई अगर मान लो मेरा इसका प्लस या एमएमएफ कुछ अलग है, इसका मेरे बारह एमएमएफ अलग है, तो कुछ ना कुछ कंडीशंस बाद आपका प्लस जीरो होने वाला है, वो कंडीशंस नहीं है. अब बात करते हैं अपन क्रिटिकल रेजिस्टेंस और क्रिटिकल स्पीड की. सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं दोनों की डेफिनेशन लिख रहा हूं. आपका क्रिटिकल रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है जिससे ज्यादा वैल्यू, अगर आपकी फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से मोर देन है, अगर आपकी फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से मोर देन है तो आपकी आपका वोल्टेज बिल्डअप जीरो देगा, आपके डीसी जनरेटर वोल्टेज डज नॉट बिल्डअप. तो आपका हमेशा फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए, ये मैंने पॉइंट लिखा. क्रिटिकल रेजिस्टेंस के बारे में अपन लिख लेते हैं, क्रिटिकल रेजिस्टेंस
चलो इसी पहले अपन रेजिडुअल फ्लक्स के बारे में लिख लेते हैं ना, अपन ने जो अभी बताया डिस्कशन किया, फिर क्रिटिकल रेजिस्टेंस स्पीड को बाद में डिस्कस कर लेना, पहले रेजिडुअल फ्लक्स के बारे में लिखते हैं। दो कंडीशन और बच गए, दो कंडीशन और रहते हैं ना, हालांकि काम नहीं आती, लेकिन फिर भी लोड रेजिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू। लोड रेजिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आपके पास ज्यादा होनी चाहिए, और एक को लिख लो ब्रिज शुड हैव प्रॉपर कॉन्टेक्ट, शुड हैव प्रॉपर कॉन्टेक्ट, ठीक है, ये आपके पास सारी की सारी जो एसेंशियल कंडीशंस आती है। उसके बाद मैंने बताया आपको कि जैसे अगर आप डायग्राम बनाना चाहो, इसे समझना चाहो तो इससे भी समझ सकते हो, वोल्टेज कैसे बिल्टअप होता है। अगर मेरे पास यहाँ पे रेजिडुअल फ्लक्स है, अगर मेरे पास क्या है रेजिडुअल फ्लक्स, तो आपका क्या होगा ईएमएफ, क्या होगा आपका ईएमएफ, क्या होता है एन पी फाइव जेड अपॉन, तो आपका ईएमएफ आएगा। अगर मेरे पास ईएमएफ आया, तो ईएमएफ आया तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे करंट आएगा या आईएफ जो भी करंट आएगा। अगर करंट आपके पास पिक्चर में है, तो करंट इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स में है, ये आएगा एमएमएफ। अगर एमएमएफ आपके पास पिक्चर में है, तो आपके पास क्या आएगा फ्लक्स, आपका फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो आपका क्या हो जाएगा इंड्यूस। अगर ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो इंक्रीज करंट इंक्रीज, ये पाथ आपका चलता रहेगा, चलता रहेगा ये जब तक चलेगा, जब तक आपका देखो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, कोई सा भी मैग्नेटिक मटेरियल, उसकी कुछ ना कुछ कंडीशन होती है, कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है, आपका वोल्टेज फ्लक्स बढ़ रहा है, लेकिन एक परिमित मैक्सिमम वैल्यू तक आपका, जहां तक आपका सेचुरेशन नहीं आता तब तक आपका फ्लक्स बढ़ेगा। जब तक आपका सेचुरेशन, आफ्टर द सेचुरेशन आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा लो, कितने भी करंट बढ़ा लो, आपका फ्लक्स नहीं बढ़ने वाला। आप करंट बढ़ा रहे हो, आप ईएमएफ बढ़ा रहे हो, कितना भी बढ़ा लो, कुछ भी बढ़ा लो आपका, लेकिन फ्लक्स नहीं बढ़ने वाला आफ्टर द सेचुरेशन। हाँ, बिफोर द सेचुरेशन इट इज इंक्रीजिंग विद लीनियर, शायद उसके साथ साथ ईएमएफ के साथ साथ, करंट के साथ साथ, एमएमएफ के साथ साथ इंक्रीज होगा। हाँ, बिफोर, तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो वही क्या आपके पास फील्ड करंट है और ये आपके पास फ्लक्स ले लो, ये आपके पास रेजिडुअल फ्लक्स मान लिया मैंने यहां पर, तो कुछ ना कुछ वोल्टेज इंड्यूस होगा। जब आपके पास फील्ड करंट जीरो रहेगी तब भी आपके पास कुछ ना कुछ वोल्टेज इंड्यूस होगा। फिर जैसे जैसे आपके पास फील्ड करंट इंक्रीज होती जा रही है, आपके पास वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है, आपका वोल्टेज इंड्यूस होगा। अप टू सैचुरेशन तक आपका ये लीनियरली इंक्रीज होगा, लेकिन एक पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा आपके पास, इस पॉइंट को बोलते हैं आप नी पॉइंट। इससे पहले लीनियर है, बाद में सैचुरेशन आता है। अब इस पॉइंट के बाद में आप कितना भी करंट बढ़ाओ, कितना भी करंट बढ़ाओ, फील्ड करंट को कितनी भी बढ़ाओ, कितना भी आप वोल्टेज बढ़ाओ, कितनी भी फील्ड करंट बढ़ाओ, लेकिन आपका फ्लक्स कॉन्स्टेंट है। अगर आपका फ्लक्स कॉन्स्टेंट है तो इंड्यूस ईएमएफ कॉन्स्टेंट हो जाएगा आपका, इंड्यूस ईएमएफ आपका कॉन्स्टेंट, क्योंकि फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अगर आपके पास स्पीड कॉन्स्टेंट, मान लो ये मेरे पास स्पीड है 1500, अगर मैंने आपकी मोटर की स्पीड को कॉन्स्टेंट बना रखा है, अगर मैंने जो मैं प्राइम मूवर से आपके डीसी जनरेटर को, आपको डीसी जनरेटर के को घुमा रहा हूं, उसकी मैंने स्पीड को कॉन्स्टेंट बना रखा है, और मैं धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी फील्ड करंट इंक्रीज होते जाते हैं, वैसे वैसे आपका ईएमएफ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका फ्लक्स भी बढ़ता जाएगा। अप टू सैचुरेशन तक आपका फ्लक्स बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद में आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और उसी पॉइंट को बोलते हैं नी पॉइंट। अगर आपका फ्लक्स कॉन्स्टेंट हो गया तो आपका ईएमएफ क्या होता है, एन पी फाइव जेड, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आपकी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पोल आपके कांस्टेंट है, स्पीड आपने कांस्टेंट बना रखी है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, आपके फ्लक्स पे डिपेंड करेगा। तो जैसे जैसे आपका फ्लक्स बढ़ना कम हो गया या फ्लक्स बढ़ना आपका सेचुरेट कर गया, फ्लक्स आपका कांस्टेंट हो गया, तो आपका ईएमएफ भी कांस्टेंट। इस पॉइंट को अपन लिख लेंगे, ठीक है। इसको आप रेजिडुअल फ्लक्स के नाम से भी जान सकते हो ना, या फिर इसको लिख लो स्लाइटली बेंड, ड्यू टू मैग्नेटिक इनर्सी। थोड़े से इसके बारे में लोग अपन क्रिटिकल रेजिस्टेंस के बारे में ही लिखा ना, इसके बारे में अपन लिखते हैं जो अपन एक बार अब ड्रॉ किया इसके तो छोड़ना बेकार है। विद ऑल कंडीशंस सेटिस्फाइड टू बिल्डअप, आपके साथ विद ऑल कंडीशंस सेटिस्फाई, अगर आपके सारे की सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो गई, द बिल्ट अप स्टार्ट करते हैं। अगर आपका बिल्ट अप वोल्टेज स्टार्ट हो जाएगा रैपिडली एक साथ, अप टू सेचुरेशन ऑफ द पोल, कहां तक होगा? अप टू सेचुरेशन ऑफ पोल, जब तक आपके पोल सेचुरेशन ऑफ पोल, जब तक आपके पोल क्या नहीं हो जाए सेचुरेशन, जब तक आपके पोल में एक मैक्सिमम कांस्टेंट प्लस फ्लो नहीं होने लग जाएगा, तब तक आपका वोल्टेज बिल्टअप होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। वंस द पोल सेचुरेट, अगर आपके पोल एक बार सेचुरेट हो जाए, वंस द पोल सेचुरेट, once the pole saturated, even through voltage and current increases, अगर इसके बाद में भी even through voltage and current increases, अगर इसके बाद में भी आप voltage और current को increase करते हैं, flux would not increase, आपका flux क्या हो जाएगा? Would not increase, लेकिन flux क्या होगा? इंक्रीज नहीं होगा, बिकम कॉन्स्टेंट। अप टू न्यू पॉइंट बिल्टअप इज लीनियर, आपका वोल्टेज बिल्ड होगा। आफ्टर एनी पॉइंट इट बिकम नॉन लीनियर, इट बिकम नॉन लीनियर, द बिल्ट अप प्रोसेस represented by BH curve, जो जैसे में जिसकी प्रॉपर्टी होती है आपकी किसी भी मेटेरियल, इट इज बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटेरियल, मैग्नेटिक मेटेरियल। अगर मैं लिखना चाहूं, इसको बनाना चाहूं किसी भी मैग्नेटिक मेटेरियल का पीएच कर्व, अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हैं ना, ऐसे बना।
आपका बीएस कर रहा है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं अपना क्रिटिकल रेजिस्टेंस और क्रिटिकल स्पीड के बारे में। तो इसको अपन क्रिटिकल रेजिस्टेंस एंड क्रिटिकल स्पीड। तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, क्रिटिकल स्पीड क्या होता है, इसके बारे में अपन डिस्कस। तो मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस, या क्रिटिकल रेजिस्टेंस आपका वो मिनिमम रेजिस्टेंस बोला, वो मिनिमम रेजिस्टेंस होता है किसी भी फील्ड वाइंडिंग का। क्रिटिकल रेजिस्टेंस वो मिनिमम रेजिस्टेंस होता है जिस पे आपका वोल्टेज बिल्ट हो। अगर इससे ज्यादा वोल्टेज रेजिस्टेंस कर दिया आपने फील्ड वाइंडिंग का, तो आपका वोल्टेज बिल्टअप नहीं हो रहा, आपका वोल्टेज बिल्टअप नहीं हो रहा अगर इससे ज्यादा आपने आपके वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस डिटरमाइन हो इसको इसी में ये डिटरमाइन डिटरमाइन हो क्रिटिकल रेजिस्टेंस एंड क्रिटिकल। तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, पहले अपन इसके बारे में देखते हैं। क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग अबव विच, इससे ज्यादा above which generator does not build up voltage। अगर जिससे ज्यादा above which value लिख लो, above which value, अगर जिससे ज्यादा वैल्यू अगर आपके फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस की हो गई, तो उससे उस पर आपका क्या होगा, आपका वोल्टेज बिल्टअप नहीं होगा, आपका वोल्टेज बिल्टअप नहीं होगा। ठीक है, अगर आप स्पीड की बात करते हैं, क्रिटिकल इट इज द स्पीड ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर को भी तो घुमाते हो ना, इट इज द स्पीड ऑफ आर्मेचर या इट इज द स्पीड ऑफ जनरेटर बिलो, देखो यहां बिलो विच जनरेटर डज नॉट बिल्ट अप। हाँ, जिससे कम वैल्यू पे आपका जनरेटर वोल्टेज को बिल्ट अप नहीं कर सकता, वो तो क्रिटिकल स्पीड से तो कम स्पीड पे और क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज्यादा रेजिस्टेंस पे आपका जनरेटर वोल्टेज बिल्टअप नहीं कर सकता। ठीक है, अब अपन देखते हैं, अगर मान लो मेरे को किसी भी तरीके से इनकी वैल्यू निकल जाए, तो आपको इसको डिटरमाइन कैसे, आपको रेजिस्टेंस, क्रिटिकल रेजिस्टेंस और क्रिटिकल स्पीड निकालनी है। इसके लिए अपन ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक की आपको जरूरत पड़ती है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स को जरूर देखो। चलो एक दो पॉइंट लिख लेते हैं, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन क्रिटिकल रेजिस्टेंस एंड क्रिटिकल स्पीड, क्रिटिकल रेजिस्टेंस एंड क्रिटिकल स्पीड फॉर सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर नीड टू सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। इसको इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की जरूरत पड़ता है। It need to
टू सेपरेट एक्साइटेड सबसे। अब फिर क्या करना है, इन ऑर्डर टू प्लॉट ओपन सर्किट कैरेक्टर्स, क्या करना है आपको, इन ऑर्डर टू प्लॉट ओपन सर्किट कैरेक्टर्स या मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टर्स या फिर नो लोड कैरेक्टर्स, तीनों एक ही, नो लोड कैरेक्टर्स। सबसे पहले इसका सेटअप देखते हैं, अपन कैसे सेटअप बनाते हैं। अपने को क्या जरूरत पड़ेगी, आपको एक क्या पड़ेगा, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की आपको जरूरत पड़ेगी ना। तो ये आपको सबसे पहले आपने आपका जनरेटर बनाया, ये आपने आपके जनरेटर का आर्मेचर, ठीक है ना, इसको मैंने कपल्ड कर दिया, मोटर, ये जनरेटर है ना, ये आपकी मोटर, इसको मैंने कहा डीसी सप्लाई, इसकी फील्ड वाइंडिंग को मैं किसी अदर जनरेटर से सप्लाई दूं, इसकी फील्ड वाइंडिंग, इसकी फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, देख लो इसमें अगर आपको रियोस्टेट लगा दिया ताकि मेरे को वेरिएबल सप्लाई चाहिए, कांस्टेंट सप्लाई, अमीटर करंट मेजर करने के लिए, ऑल्टमीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए, और आपकी ये फील्ड वाइंडिंग, अब सुन, ये आपने सेटअप तैयार कर लिया है ना। अब मैं इसको मोटर की स्पीड से कैसे भी घुमा रहा हूं, मान लो मैंने इसको रेटेड स्पीड एन आर इक्वल टू 1500 आरपीएम पे मैं इसको क्या कर रहा हूं, 1500 आरपीएम पे मैं घुमा रहा हूं उसको है ना। तो अगर आपने पहली रीडिंग ले तो आप एक तो क्या देखोगे, आप तो एक तो यहां पे करंट देखोगे, फील्ड करंट आईएफ सबसे पहले, वोल्टेज देखोगे वीएफ, इसके कोरस्पोंडिंग यहां पे कितना वोल्टेज ये में फील्ड यूज हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे फील्ड करंट, फील्ड वोल्टेज ई नोट, ये देखो चुके स्पीड आपने कॉन्स्टेंट करी देखी, अगर मैंने मान लो कोई एक्साइटेशन नहीं, कोई भी एक्साइटेशन नहीं दिया, वेव भी आपका जीरो, लेकिन इसके पास कुछ ना कुछ रेजिडुअल फ्लक्स है, तो यहां पे मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ मान लो मैं 2 वोल्ट दिया, क्यों, क्योंकि रेजिडुअल फ्लक्स है अपने पास। अगर मैं फ्लक्स करंट को बढ़ाऊंगा, करंट को मान लो मैंने 0.2 अगर मैं करंट को बढ़ाऊंगा तो आपका वीएफ भी बढ़ेगा, करस्पॉन्डिंग टू वीएफ मान लो 20 होगा, तो ये वाला वोल्टेज बढ़ेगा, फिर अगर मैंने करंट को बढ़ाया तो ये वो बढ़ेगा, रेटेड करंट तक मैं कर सकता हूं, तो ये 125% ऑफ रेटेड, ये आपने किया। एक क्वेश्चन, 1 मिनट में बात करूं।